सहारनपुर को लेकर लगातार खबरें जारी है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए, सहारा समूह जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने बढ़ाई वापसी की धन सीमा, इतने दिनों में होगा भुगतान, क्या है आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, भाई आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए, सहारा समूह की जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने जमाकर्ताओं को मिलने वाले धन की सीमा को बढ़ा दिया है, अब उन्हें ज्यादा रकम मिलेगा। उसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। अब तक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए करीब 4.29 लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ाने से अगले 10 दिनों में करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ता के दावों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों की राशि वापस करने के लिए 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार पिछले वर्ष 19 मई को सेवी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारिता समितियों में रजिस्टर्ड सीआरसीएस को हस्तांतरित किए गए थे। डिजिटल माध्यम से धन वितरण की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। 4 सहकारी समितियों का पैसा होगा वापस। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में ही निवेश करने वाले का पैसा लौटाया जाएगा। इसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारन यूनिवर्सल मल्टीप्रज सोसाइटीज लिमिटेड भोपाल और स्टार्ट मल्टीप्रज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है। इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रकम फंसी है। इसमें ज़्यादातर निवेशक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के हैं। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए केवल उन्हीं निवेशकों की धनराशि वापस की जा रही है जो पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही जमाकर्ता ने सहारा इंडिया की इन 4 सहकारी समितियों में 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो रिफंड पोर्टल पर करना होगा आवेदन। रिफंड के लिए रिफंड पोर्टल पर किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, किसी दूसरे माध्यम से किया गया आवेदन खारिज हो जाएगा। पैसा वापस पाने के लिए डिपॉजिट अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिजिटल सर्टिफिकेट या पासबुक की जरूरत होगी। टोल फ्री नंबर से लीजिए मदद। मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं जिन पर किसी भी सवाल के लिए फोन किया जा सकता है। इसके बाद इसमें दो दो नंबर दिया हुआ है, यदि कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो दोनों नंबर से आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सफलतापूर्वक दाखिल होने के बाद 30 दिन के भीतर सत्यापन हो जाएगा और 45 दिन के भीतर खाते में पैसा आ जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, जितने भी निवेशक है जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, यदि वो पैसा लेना चाहते हैं तो पोर्टल पर जा करके ऑनलाइन करना होगा, क्योंकि दोस्तों अब जो है 10,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। यदि आप लोग पैसा पाना चाहते हैं तो इस पोर्टल पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें अपडेट आ रहा है। तो फिलहाल जो भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है जिनका भी पोर्टल पे ऑनलाइन हो रहा है उन्हीं का पैसा मिलेगा और अन्य किसी के माध्यम से किया गया आवेदन आपका खारिज हो जाएगा, इसमें ये भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग सुन ही चुके होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और जो भी हमें अपडेट मिलेंगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।